क्या आपने कभी सोचा है कि अगर चलती ट्रेन के ब्रेक फेल हो जाए तो क्या होगा? आइए जानते हैं कि अगर चलती ट्रेन के ब्रेक फेल हो जाए तो क्या होगा। पहले की जो ट्रेन थी उनमें वैक्यूम ब्रेकिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आजकल लगभग सभी ट्रेनों में एयर ब्रेकिंग सिस्टम का इस्तेमाल होता है और एयर ब्रेकिंग सिस्टम में ट्रेन के ब्रेक फेल होना पॉसिबल नहीं है। लेकिन पहले के वैक्यूम ब्रेकिंग सिस्टम में ऐसा पॉसिबल था कि ब्रेक को पावर कम मिले, क्योंकि जब तक ब्रेक सिलेंडर में वैक्यूम होता था तब तक ब्रेक रिलीज रहता था और साथ ही सिलेंडर में हवा भरने में टाइम भी लगता था। इसी वजह से वैक्यूम ब्रेक सिस्टम धीरे धीरे काम करता था। अगर बात करें एयर ब्रेकिंग सिस्टम की, तो एयर ब्रेकिंग सिस्टम में प्रेशर की मदद से ब्रेक सिलेंडर में हवा भरी जाती है। अब जब तक हवा सिलेंडर में भरी रहेगी तब तक पिस्टल से जुड़ा ब्रेक पैड अलग रहेगा। इसके अलावा ब्रेक पैड खराब होने पर भी ब्रेकिंग सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ट्रेन के सभी पहियों में ब्रेक लगे होते हैं, जिसमें से कुछ ब्रेक ही खराब हो सकते हैं।